नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दुनिया से बहुत दूर कर देना चाहता है ये एक व्यक्ति। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि आप लोगों को किसी से भी दुश्मनी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों माँ काली आपके साथ हैं। आपके दुश्मन का अवरक्त रक्त करके गिरने वाला है। दोस्तों, आपको किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। और दोस्तों, आप लोगों का जैसा स्वभाव है, आप लोग समाज में भाईचारे में रहना चाहते हैं। दूसरों को आप लोग जहां तक है उनकी मदद करते हैं, लेकिन दोस्तों आप किसी के लिए भी बुराई नहीं करते हैं। यूं कह दे तो दोस्तों कि आप लोग जिस प्रकार रहते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं, वैसे आपका दुश्मन नहीं रह सकता है। आपका इसी व्यवहार को देखने के बाद में दोस्तों दुश्मन और भी ज़्यादा जल जाता है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को बार बार तबाह करने की कोशिश भी ये लोग करते रहते हैं। परंतु दोस्तों, आप सभी को बता दूं, माता रानी के कुछ ऐसे संकेत हैं जो आपको मिल रहे हैं, जिसके बारे में दोस्तों आपको पता होना बेहद ही ज़रूरी है। और ये वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर पर निर्मित है। और दोस्तों, आप सभी को बता दूं, आप सभी के लिए 100% सटीक बैठने वाली है। हम आप लोगों को बता दें कि दोस्तों अब दुश्मन की खैर नहीं है। वह दोस्तों तड़प तड़प के अब मरने वाला है। और दोस्तों बहुत हो गई मनमानी, अब दोस्तों बारी आपकी है और उसका जाने का वक्त अब आ चुका है। इससे पहले दोस्तों, जो भी माँ काली के सच्चे भक्त, माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वे दोस्तों सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, जीवन ने आप सभी को बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है। और दोस्तों, आप लोग जब भी कोई नया काम करने की तरह सोचते हैं और कुछ नया काम करना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान आप सभी के पीछे पड़ जाता है। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी ही खास सावधानियों के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में आपको पता होना बेहद ही ज़रूरी है। और दोस्तों, आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपके दुश्मन ने वादा किस प्रकार लगाई है। कुछ ऐसी ही खास सावधानियां हैं जो आपको इन 3 दिनों के अंदर रखनी है, जिससे कि दोस्तों आपके जीवन में नए बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही दोस्तों, आपको अपने जीवन काल में कौन से उपायों को करना चाहिए, सरल मंत्रों का जाप करना चाहिए, ताकि दोस्तों माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहें और आपके जीवन काल में कोई भी आर्थिक तंगी ना हो, जीवन काल में कोई भी परेशानी ना हो। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को बता दें कि पूरे बहुत ही समय के बाद में माता रानी आप पर प्रसन्न हैं। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में ऐसे कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं जो अगले 3 दिनों में आपके जीवन को और दोस्तों आपके महाराशि फल को भी बदल कर रख देगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ना चाहते हुए भी आपके जीवन काल में दुश्मन तो पैदा हो ही जाते हैं, लेकिन किस प्रकार कुछ सावधानियां बताने के बाद आप इनसे बच सकते हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इन 3 दिनों में कुछ सावधानियों के बारे में, जो आपको पता होना बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों, आपको बता दूं, जिसका आप बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो चीज़ की प्राप्ति अब होने वाली है। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, आप लोग बहुत दिनों से विदेश जाने के बारे में सोच रहे थे, दोस्तों अब वे यात्रा करने का भी समय आने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी अब दिल खोल करके शुरू कर दीजिए। यहीं पर ही दोस्तों, यदि बात की जाए प्रेमी जोड़ों के बारे में, जो वर्षों से दोस्तों प्यार करते आ रही हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। दोस्तों, अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं और आने वाले 9 वर्ष के बाद में दोस्तों आप लोग शादी के बंधन में भी बन सकते हैं। और दोस्तों, इस समय आप लोगों के ऊपर महादेव का आशीर्वाद बना हुआ है और आप लोग अपना वैवाहिक जीवन का आनंद अब ले पाएंगे। संतान की इच्छा प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों, इस समय माता रानी के दरबार में ज़रूर जाएं, उनकी पूजा और आरती ज़रूर करें, जिससे कि दोस्तों माता रानी आप लोगों की जल्दी ही मनोकामना पूर्ण कर दे। वहीं पर ही दोस्तों,
जिन लोगों के बच्चे अभी पढ़ाई क्षेत्र में हैं, वे दोस्तों अपनी पढ़ाई से आप लोगों का दिल जीतने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों परीक्षा में भारी मार्क से वे उत्तीर्ण होने वाले हैं। समय बहुत ही ऊर्जावान है, बलवान है। इस समय में किसी भी कारण आप अपनी ऊर्जा के साथ में कार्य करिए, यहीं तक कि दोस्तों अपना कार्य काफ़ी अच्छे से संपन्न भी होगा। और दोस्तों कार्य क्षेत्र में भी आप लोग किसी से भी लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों आप लोगों को अपने वाणी पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी को अपशब्द ना कहें, जिससे कि दोस्तों आप लोग परेशान हो सकते हैं। माता पिता का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि दोस्तों माता पिता की वजह से ही आप लोग अपने जीवन में आए हैं। दोस्तों इसका दिन रात आपको शुक्रिया अदा करना है, धन्यवाद करना है, जिनकी वजह से आप लोग इस संसार का सुख मिल पाया है। और दोस्तों इसके साथ ही अब भाई के साथ में आप लोगों का कोई ना कोई बड़ी डील हो सकती है, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा भी हो सकता है। मोबाइल पर कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो कि दोस्तों आप लोगों को किसी कंपनी में पैसा निवेश करने के लिए कर सकती है, किंतु दोस्तों आप लोग अपने बड़े बुजुर्गों से या फिर किसी सलाहकार से भी सलाह लेने के बाद में ही निवेश करें, अन्यथा दोस्तों आप लोगों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी हो सकती है। तो दोस्तों बेहद ही सावधान रहें, इस समय आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ भी होगा और दोस्तों बहुत ज़्यादा हानि होने की भी संकेत है। तो ऐसे में किसी भी कार्य को दिखावे के लिए ना करें, दोस्तों ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा ना करें, क्योंकि दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति एक बार डगमगा भी सकती है। तो दोस्तों इन सब बातों को ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखें। पैसों को कभी भी दोस्तों बर्बाद ना करें, क्योंकि समय बार बार नहीं आता है। दोस्तों ईश्वर मौका केवल एक ही बार देते हैं, उस मौके का लाभ ज़रूर उठाएं। और दोस्तों आपको 24 घंटा चौकन्ना रहने की आवश्यकता है, क्या पता कब आपको ईश्वर क्या बड़ा संकेत दे दे। नौकरी में कार्यरत लोगों को इस समय प्रमोशन मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि आपका दुश्मन आपसे बार बार लड़ाई झगड़े की स्थिति बनाता है, तो उससे आपको सावधान रहना होगा, नहीं तो वह एक नया षड्यंत्र आपके लिए रच सकता है। इन दिनों में दोस्तों आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छी तरह से बना हुआ है, इसलिए दोस्तों थोड़ा खास अपने आप को थोड़ा संभालने की आवश्यकता है, जो कि दोस्तों आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों हर किसी को ईश्वर मौका एक ही बार देते हैं, उस मौके का लाभ उठाने की कोशिश करिए। दोस्तों कोई नई खोज पर निकल सकते हैं, हालांकि इंटरनेट का ज़माना अब आ गया है, तो मोबाइल पर ही पढ़ना लिखना ज़्यादा पसंद हो गया है, लेकिन दोस्तों वहीं पर ही मोबाइल से कुछ नुकसानदायक स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इन सब बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखें। और दोस्तों इस समय आपको बता दें कि कोई नया रिश्ता आ सकता है, जिसको आप अपना भी सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों की इच्छा अब पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों जो बहुत दिनों से वर वधू की तलाश में निकल रहे थे, उनकी अब तलाश पूरी होने वाली है। कुल मिला के दोस्तों आपका दिन थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा रहने वाला है। हम आशा करेंगे कि आने वाले अगले सभी दिन आप सभी के काफ़ी अच्छे से व्यतीत हों, और माता रानी की कृपा से, शिव शंकर की कृपा से, श्री गणेश की कृपा से आपके घर में रिद्धि सिद्धि हमेशा विराजमान रहे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि दोस्तों आपको नित्य प्रतिदिन दैनिक राशिफल मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।